नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विंटर में भी पैर रहेंगे हैप्पी हैप्पी के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। सर्दियों में पैरों की हिफाजत करना बेहद जरूरी होता है। धूल मिट्टी, गंदगी और रूखी बेजान त्वचा होने के कारण पैर फटने लगते हैं। लेकिन अगर पैरों को ठीक से धोकर, नारियल तेल लगाकर और कुछ से ही आसान से अन्य उपायों के जरिए में भी आप पैरों को साफ एवं सुरक्षित रख सकते हैं। कोई भी लेप या पैरों वाली क्रीम का प्रयोग करें, इसे रोजाना की दिनचर्या में शामिल करें, लेकिन अधिक मॉइस्चराइजर न लगाएं, विशेषकर पैरों की अंगुलियों के बीच, चूंकि इससे कवक संक्रमण की आशंका रहती है। यह फटे पैरों की देखभाल के लिहाज से बहुत फायदेमंद है। एक टब में गुनगुना पानी लेकर उसमें एक चम्मच शिया मक्खन डालकर पैरों को भिगोएं। पैरों पर नारियल तेल लगाएं और इसे रात भर लगा रहने दें। इसे लगाने के बाद सूती जुराब जरूर पहनें। अगर आप पैरों को खुला रखना तय करते हैं तो उन्हें चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाएं। इसके लिए एक टब में गुनगुना पानी भर रख लें। इसमें एक चम्मच बाथ साल्ट एवं शैम्पू मिलाकर और झाग बना लें। इसके बाद अपने दोनों पैरों को 5-7 मिनट तक अब में डुबो कर रखें। अब प्यूमिक स्टोन लेकर हल्के हल्के से पैरों को टब में रखकर निकाल लें और कॉटन के कपड़े से पैरों को पोंछ लें। अगर जरूरत हो तो इसके बाद नाखूनों को कट कर लें और नेल फाइल से नाखूनों की शेप सही करें। अब हथेलियों पर ऑलिव लेकर धीरे धीरे पैरों की मसाज करना चाहिए और आपके नाखून खूबसूरत और आकर्षक दिखे इसके लिए नेल पेंट लगाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।